इल्ली के जीवन काल में चार मुख्य अवस्था होती हैं, अंडे, लार्वा, प्यूपा, अंडे देने वाली वयस्क तितली। लार्वा अवस्था में इल्ली प्यूपा अवस्था पहुंचने तक हर 4 से 5 दिन में अपनी चमड़ी बदलती है। ये क्रिया उसके विकास के लिए अनिवार्य है। इल्ली के अंडों से बाहर निकलते ही किसान का भारी नुकसान शुरू हो जाता है। पेश है एटाब्रॉन, जिसकी कार्यशीलता अन्य उत्पादों से एकदम अलग है। एटाब्रॉन एक IGR यानी इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये इल्ली की चमड़ी बनाने की क्रिया पर असर करता है। इसे खाने के बाद अगली बार चमड़ी बनाने की क्रिया के दौरान इल्ली मर जाती है। एटाब्रॉन के छिड़काव के बाद 1 से 4 दिनों में इल्लियां मर जाती हैं। इसके अलावा एटाब्रॉन इल्ली के प्रजनन क्षमता पर भी असर करता है। तितली बनने से पहले एटाब्रॉन खाने वाली इल्ली कम अंडे देती है और अंडों से 70% तक कम इल्लियां निकलती हैं। इस तरह से एटाब्रॉन का असर इल्ली के आने वाली पीढ़ी तक रहता है। इसमें ब्रेंजाइल के 3 चक्र हैं, जो पत्तियों पर अच्छी तरह से फैलकर जम जाता है और लंबे समय तक असरदार रहता है। इसका असर प्रभावकारी और लंबा है। छिड़काव के 2 घंटों बाद ये बारिश से भी नहीं घुलता। 800 मिलीलीटर एटाब्रॉन प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। याद रहे, अगर इल्लियों को हो जकड़ना तो सिर्फ एटाब्रॉन ही पकड़ना।